पूछते हैं मैं तकलफन पाना है तो समझी रोटी सिद्धा जेन ते नहीं चाहिए हो ना एक सिद्धा मेरे सोचा <laughs> सिरपड़ वाला बोगा <laughs> मी कब यार है अपना बड़ा अच्छा <laughs> कहना मैं ये चाहता हूं कि यहां पे लोग जो है ना वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर दौड़ लगा देते <laughs> हैं ये जेरे आजकल दौड़ रहे ने बाहर लू ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਟੇਲੇ ਜਾਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੋਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ساری ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ अब यहां से जो लोग जा रहे हैं ना मेरा है अपना ये मुशाहिदा की आम आदमी मैं, मैं, अपने कारोबार लिए नशा फिर समझ आनी है कि ये जो इधर से लोग दौड़ते हैं ना है? वो टेंशन की वजह से और खौफ की वजह से दौड़ रहे हैं हाँ। अदब इस्तेकाम है जी मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है माशी अदम इस्तेकाम है इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं माशी आदम इस्तेकाम है ना जी उसकी जरा सैडल करो ना मैं तुसा की गल करना जिन्हें मीडिया ले लो को, मीडिया के बैठ के ते अपोजिशन जो है वो वो बैठ के मर गया मुलक लूटे गए बर्बाद हो गया ये हुँ. हो गया अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक हुँ. इस तरह पेंट कर रहे होते हैं हमेशा अपोजिशन जो होती है ना जी उसका ये काम होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट पे तनकी ग तो पूरा ही बेड़ा गडक हो गया रही नहीं कंट्री रिहा ही नहीं है इस काबल के फिर लोग दौड़ते हैं जब लोग सारा दिन टीवी के आगे बैठ के सुनते हैं इधर ज्यादा टाइम थे भी भी तो चुनाव जो होता है ना वो आपको जख्म करता है लफ्जों का चुनाव ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क का बेड़ा कड़क हो गया है मुल्क का दिवालिया निकले वाला है मुल्क जो है वो अब रहना ही खुदाना खास नहीं है श्रीलंका हाँ। बन जाएगा श्रीलंका बन जाएगा अब अपना बनाना रिपब्लिक बन गया है ये लफ्ज जो उठे है ना ये खौफ सा सात है वो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है सारे कंडे नहीं यारा ये जो इस वक्त हुकूमत में ये जब अपोजिशन में जाएंगे ये भी यही बोलेंगे ये भी यही बोलेंगे मैं किसी एक पार्टी का बंदा मैं बड़ा कौड़ा आदमी हूँ मिकी क्या पता जरा कौन अपने कौन बंदा कितना कम कर दे हाँ। मैं तो इधर आगे दो मिनट के लिए अगर टीवी पर बैठो मैं पागल हो जाता हूँ ये क्या कहा बात कर रहे हैं जो अपोजिशन जो है वो कहती है कि बेड़ा को हो गया है। जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि सी एन पैरसी बना देता है यार खुदा के वास्ते बात वो करो जो ऐसी बात करना चाहिए कि आपकी आवाम जो है, जो है रह तो कानूनी तरीके से मौका मिल रहा है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं जिनको गैर कानूनी तरीका अख्तियार करना पड़ रहा है वो भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि बाहर जाके उनका मुस्तकबिल ज्यादा बेहतर है बजाय पाकिस्तान के योटे गल करना ना यो ते गल करना इस वक्त इतना खौफ फैला है लोग धड़ा डर धर रहे ने बार। देखो ना कश्तियां दे दे विच, विच हाँ दे। धर। उलट जानिया ने है। दे पुत्र उठे मर जाने सिर्फ इस चक्कर बहार अपट जाइए यार खुदा वास्तव भी कोई दरख्त पैसे नहीं लगे हो बाढ़ भी टुसा की जाके थे इसी तरह मेहनत मजदूरी करनी पड़नी है जो बाहर के मसाइल हैं वो भी आपको पता चलता है आगे है। अच्छा अमेरिका और यूरोप जाने वालों में पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से टॉप टेन मालिक में पाकिस्तान का अच्छा। सर आप मतलब इतना ज्यादा गैर कानूनी तरीके न जा रहे हैं जिम्मे भाई नौजवान नस्ल बिगड़ गई है माँ बाप कहते हैं बच्चों को शाम को घर आज ये बाहर जा रहे है यार कैसी बेवकूफों वाला बात कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री नहीं गल हो रही है तू करो बात शामी बात क्या कर रहे हैं यार कुछ संजीदा बात करो क्या कैसी बातें कर रहे हो यार कोई बात नहीं फरीद साहब इन्हें सारियां डहना की मैं बड़ी देर ना जानना <laughs> बोलिया बैठे नहीं बैठे जितनी चार लाख पैंतालीस हजार ग्रेजुएट हर साल पाकिस्तान में हो रहे उनमें से इकतीस जो है उनको नौकरी नहीं मिलती है वो बेरोजगार है, वो बात ये है हर बंदा नौकरी क्यों लेना चाह है जिदे आर्थिक डिग्री आ जानी है वो कह रहे मीनू डीसी लाओ है फिर ही मैं कमा सकना बाहर मुल्क तो ऐसा नहीं है जिस कंट्रीज में ये जाने के लिए दौड़ करते हैं वहां तो पढ़े लिखे लोग जिनके पास मास्टर्स की डिग्रिया है वो ठेलों पे खड़ी है वो तो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं एजुकेशन जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो नहीं हासिल करता बंदा, वो तो इंसान बनने के लिए करता है वो तो जिंदगी गुजारने के लिए करता है आप कोई भी मेहनत कर सकते है ना वो तो चांस है ना अगर आपको नौकरी मिल गया ठीक है ठीक है अगर आप देखो बात ये है अभी आपका जो सी एस का इम्तिहान होता सी एस एस का CSS का, CSS का। देखो ना रिजल्ट क्या आ रहा है तो तालीम कौन सी हासिल हो रही है जेडे लोग पिंडा देख आ सी एस एस इम्तिहान है चंगे पले नंबर लिया अफसर और लग रहे शहरी बाबू नीरे सुहा डे वहा फेर रहे ने जीना दया पैंटा चा लटा लत बोर्ड निभा के करो निकल जाने ने। बात <laughs> ये है कि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका मुल्क बहुत अच्छा है hmm. उस वक्त तक ये जितना मर्जी आप वसायल भी पैदा कर देंगे लोग फंस गया की मुल्क बहुत पैदा है yeah. इतना तो बड़ी टेंशन है hmm. इतना तो बड़ा नौज मेला बेड़ा गरक हो गया hmm. वो खुदा ना वास्ते मुल्क ने नाल प्यार करने वास्ते लोगों की अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करो यारा यार जिमी ऐसी बात नहीं है ये अपने मुल्क से प्यार करते हैं लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ पर रिश्वत चलती है यहाँ सिफारिश चलती है यहाँ पे सेहत के अच्छे मौाक़ नहीं मिलते हैं यहाँ पे इंसाफ नहीं है देखो जेरे बंदे ये सोचते हैं कि इधर इंसाफ अच्छा नहीं देंगे दे। को बंदा अगर ये सोचता है इधर रिश्वत चलती है को बंदा अगर ये सोचता है इधर सफारश से काम होता है तो इसका मतलब है वो अच्छी सोच वाला बंदा है तो उसे इधर रह के अपने मुल्क को ठीक करना चाहिए ना यार ब्रेन ब्रेन ड्रेन और क्या होता है ब्रेन ड्रेन आप किसे कहते हैं जो अच्छी सोच के अच्छी अकल के अच्छे तकनीक के अच्छे इलम के एजुकेशन के मालिक है वो सारे बाहर नौड़ने पे उठे बाहर मासी ने मुफ्त रोटी खुआ है बाहर भी जाके तो मेहनत करनी पड़नी है इधर रह के मशीन का पुर्जा बन के तो मशीन को चलाओ ना यार मशीन ने बिचो ना ना निकल जाओ बात यह है मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आपको मेहनत करना अच्छी में सोच और अच्छे दिल के साथ तो फिर यार अपने के करो ठीक होएगा ना यही तो कहते हो कि ये मीडिया के लोगों ने यहाँ पे खौफ जदा कर दिया लोग दौड़ना शुरू हो जाते हैं बजाय इस मशीनरी का पुर्जा बनने के बजाय इसमें फिट होने के बजाय दौड़ा ला देने ने। सही कह रहे हैं जिम्मी भाई अच्छे अच्छे लोग तो सारे बाहर जा रहे हैं थैले वर्गे गोगे वर्गे